बीन ने रसोई में खड़ी खड़ी वापस बड़बड़ कर रही है, सासू लड़ मत न्यारी कर दे, मारे बाप को दियोड़ो मारे सागे कर दे। साहित्य पढ़े, आभूषण का क्या पढ़ना है रे, कोई नथर बिंटीर ये भी पढ़ने की चीजें होती है क्या, डंका टॉपिक पढ़ लिया। संगीत, संगीत पढ़ो, हाँ साहित्य, संगीत क्या पढ़ाए, संगीत पढ़ाए साहित्य पढ़ाए, हाँ जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हो, पेपर मैं तो बनाता नहीं। एकीकरण कल्चर है, एकीकरण कल्चर का टॉपिक, कोई गाय होली की ये गाय दिवाली का, यहाँ राजस्थान कल्चर पढ़े, एकीकरण पढ़ा दो, हाँ राजस्थान की बोलियां तो साहित्य भी ना बोले, नृत्य नाच के दिखा दो इधर आ लिख लो, कुछ ही लिख लो रे जो अच्छा लगे, हाँ लो लिखो राजस्थान के लोकगीत, क्या चिंता, जो जी में वो पढ़ लेंगे, फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान क्या होते हैं, लोकगीत होते क्या हैं, हाँ लोक लोकगीत हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में बोले जाए वो लोकगीत है, तो पंजाब वाले जीते ही पंजाबी गीत है सारे लोकगीत है, छोटे छोटे पैग मार लोकगीत है, तो लोकगीत कौन सा है, क्या चीज, लोक देवताओं संबंधित, मतलब लोक देवताओं का गीत नहीं हो तो उसे लोकगीत नहीं कहेंगे, हाँ किसी क्षेत्र विशेष, तो मैं कह रहा हूं ना छोटे छोटे पैग मार संस्कृति है, हाँ जो किसी त्योहार पर गाया जाए, मतलब बिना त्योहार के लोकगीत नहीं हो सकता, हुँ? क्या होते हैं लोकगीत और बताओ, तो लोक भाषा में तो दूसरी भाषा कौन सी होती है लोक भाषा के अलावा बता दे, पंजाबी लोक भाषा नहीं है, हरियाणवी लोक भाषा नहीं है, तो फिर जिला टोपला गेला लोक भाषा नहीं है, हाँ तो हर गीत संस्कृति को बढ़ावा देता है, कौन सा ऐसा गीत है जो संस्कृति को बढ़ावा नहीं देता हो, संस्कृति अलग अलग प्रकार की है, अंग्रेजों की संस्कृति वैसी तो उनका लोकगीत वैसा, अपनी संस्कृति दूसरी तो अपना लोकगीत दूसरा, हाँ और कोई, लोकगीत का मतलब होता है इसमें म्यूजिक ना हो, जिसमें जो लोक की भाषा में आपके मेरे मन में जो आया वो बिना किसी हारमोनियम ढोलक पेटी के गा लिया जाए वो लोकगीत है, एक किसान खेत में जब हल चलाता है वो तेजाजी महाराज का गीत गाता है वो लोकगीत है, उस समय उसको किसी भी वाद्य यंत्रों की आवश्यकता, इसमें किसी वाद्य यंत्र राग लय तल अताल छंद आदि की आवश्यकता, जो लोक की भाषा में जैसा है वैसा वैसा गा दिया गया वो क्या है, लोकगीत है। तो अपने तो कि भाई सासू ने बीनणी कुछ कह दिया, बीनणी रसोई में खड़ी खड़ी वापस बड़बड़ कर रही है, सासू लड़ मत न्यारी कर दे, मारे बाप को दियोड़ो मारे सागे कर दे। ये भी अपने आप में क्या है, वो बड़बड़ाना भी अपने आप में लोकगीत है, किसान तेजाजी महाराज का गीत गा लेता है ये भी क्या है, लोकगीत है, गोगा जी महाराज के भजन गा लिया हमने बिना किसी वाद्य यंत्र के तो वो भी क्या है, लोकगीत है। तो लोकगीत का नॉर्मल लोक, लोक का मतलब जनता, तो गांधी जी का स्टेटमेंट है लोकगीत जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार है, लोकगीत जनता की भाषा और संस्कृति के, जनता ने अपने मन में जो भाव थे उसे जिस माध्यम में प्रकट किया वो माध्यम क्या है, लोग किसी आदमी जब सुखी था तब उसने कोई गीत गाया, कोई आदमी दुखी था दुखी टाइम में उसने गीत गाया, मानव मन की सुख दुख की सहज अभिव्यक्तियां जो सिंपल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लोकगीत कहा जाता है ना। अब इन्हीं लोकगीतों को आजकल बॉलीवुड वालों ने वापस रिक्रिएट करना शुरू किया, ससुराल गेंदा फूल छत्तीसगढ़ का लोकगीत है, दिल्ली सिक्स मूवी वाला गीत था ससुराल गेंदा फूल, वो छत्तीसगढ़ का लोकगीत है, ये जो ये आपका गीत है ये हम दिल दे चुके सनम वाला निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, तो ये अपने राजस्थान में 1500 साल से गा रहे हैं यार, हम दिल दे चुके सनम तो कल की आई हुई मूवी, उससे पहले का बेबी डॉल में सोने दी बलूचिस्तान का लोकगीत है, उसके शब्द चेंज किए, उसकी पूरी राग पूरी बलूच है, मोहनजोदड़ो का जो टाइटल ट्रैक था ईरान का लोकगीत है, तो ये थोड़े बहुत आजकल सब चेंज कर करके इधर लाने लग गए, क्योंकि बॉलीवुड वालों को समझ में आ गया कि नए गीत तो अपने से बनेंगे नहीं,
तो क्या किया जाए, तो अपने वाले गीत है उनको रिक्रिएट कर लिया जाए। तो लोकगीत मतलब सामान्यतः जनता की भाषा में जो कुछ भी बिना किसी वाद्य यंत्र के, बिना किसी लय के, बिना किसी ताल के कुछ जो कुछ गा दिया जाए वो क्या है, आई बात समझो, लिखो।